Hello everyone, Neha here. So in the last video, we have discussed chapter 3, Data Handling Exercise 3.1. And in that video, we have discussed some of the terms which are used in this chapter. Introduction part we have done. So those who have not seen the introduction part and not done 3.1 exercise, so first two 3.1 exercise, see the last video, then come on this video. Now in this video, we will discuss about exercise 3.2. So let's start now. Come on, question number first. The scores in mathematics test out of 25 of 11 students is as follows. Mathematics test mein chitne scores aaye 15 students ke, टोटल स्टूडेंट्स 25 में से 15 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स टेस्ट का स्कोर दे हैव गिवन. ओके, नाउ दे आर आस्किंग व्हाट स्कोर दे हैव गिवन. दे हैव गिवन 19, 25, 23, 20, 19, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा. आपको ये जो गिवन डाटा, गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन डाटा है, मैथमेटिक्स टेस्ट के जो स्कोर्स गिवन है, इनको आपको मोड निकालना है और मीडियन निकालनी है इस डाटा की. देन दे आर आस्किंग आर दे सेम. क्या इनकी वैल्यूज मोड और मीन की सेम आ रही है. सो लेट्स फाइंड आउट नाउ. सो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू, आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, आई हैव एक्सप्लेन टू यू. सो फर्स्ट व्हेन वी विल चेंज, when we have to find out mode, median, so first what you have to do, you have to arrange the given data in ascending or descending order. आपको ascending या descending order में arrange करना होता है. I prefer you to arrange in the ascending order. Okay, so आप ascending order में इसे arrange करिए. हमने इस given जो data हमें given था, हमने इस given numbers को ascending order में arrange कर दिया. ascending order किसे कहते हैं? अरेंजिंग छोटे से बड़े नंबर, ठीक है, छोटे पहले छोटा नंबर उससे बड़ा उससे, यानी कि स्मॉलर टू बिगर, और डिसेंडिंग बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ा फिर से छोटा उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा. ओके, सो हियर वी हैव टू चेंज इन द फर्स्ट, वी हैव चेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद अब आपको फाइंड आउट करना है मोड. तो मोड देखिए, मोड का मतलब क्या था, वॉट इज मोड. मोड कैन बी फाइंड बाय टू मैथड. मोड के टू मैथड होते हैं. अगर हमारा गिविन डाटा स्मॉल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसे असेंडिंग ऑर्डर में करके जो दैट नंबर विच अकर मोस्ट ऑफ इन टाइम, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, मैक्सिमम टाइम आता है, वही उसका क्या होता है, मोड होता है. लेकिन अगर आपका डाटा लार्ज डाटा है, तो आप उसमें से मोड निकालने के लिए आप फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते हैं टैबलर फॉर्म में, ठीक है. आप फ्रिक्वेंसी टेबल बनाएंगे टेलीमार्क की फॉर्म में, टेलीमार्क लिखेंगे, टेलीमार्क लगाएंगे, लिखेंगे का कॉलम बनेगा, डाटा का कॉलम बनेगा और फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनेगा. फिर जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आएगी, फ्रिक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, जो सबसे ज़्यादा नंबर है, वो देखेंगे किस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वही आपका मोड होगा, ठीक है. ये दो मैथड से, अगर आपको ये फ्रिक्वेंसी वाला टेबलर फॉर्म वाला नहीं आता मोड निकालना, तो आप एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स देख सकते हैं या मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाया है. ओके, सो हेयर डाटा इज स्मॉल. यहाँ डाटा आपका स्मॉल है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेबलर फॉर्म बनाएं, टेबल की फॉर्म में चेंज फ्रिक्वेंसी टेबल बनाएं. डायरेक्टली आप इसे अरेंज करने के बाद आप यहाँ से फाइंड आउट कर लिए विच नंबर आकर मोस्ट ऑफ इन टाइम, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 20. 20 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, मैक्सिमम टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, इट मीन्स 20 इज द मोड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन. अब हमें क्या निकालना है, मीडियन. मीडियन निकालने के भी टू मैथड्स हैं. फर्स्ट मैथड है कि आपको मीडियन, आपको पता है मीडियन होता है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा. डाटा का जो मिडिल वैल्यू होता है उसी को हम मीडियन कहते हैं. तो मीडियन के लिए हमने क्या किया, सिंपल आपने जो आपके नंबर्स गिविन थे, आपके जो नंबर्स आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे, आपके टोटल कितने हैं, 15, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिडिल वैल्यू निकालने के लिए 7 लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट कर दीजिए और 7 राइट हैंड साइड में लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है. इक्वल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आप बोथ साइड छोड़ दीजिए, 7 लेफ्ट हैंड साइड, 7 राइट हैंड साइड. अब मिडिल में क्या बचा, 20. ओके, इट मीन्स 20 इज द
मीडियन. अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड मैथड ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन बाय फॉर्मूला. नाउ फॉर्मूले से कैसे करेंगे देखिए. अगर आपने जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, ठीक है, या क्वेश्चन में भी गिवन है, टोटल कितना टर्म्स हैं आपके डाटा में? 15. यस 15 है. यस तो 15 आपकी क्या हो गई यहाँ पे? एन की वैल्यू हो गई. हो गई एन की वैल्यू. अब ये जो एन की वैल्यू है, इसे आप देखिए, इवन है या ऑड है? ऑड है ये. 15 इज ऑड बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ऑड मीन्स अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, एंड इवन मीन्स विच इज डिविजिबल बाय 2. तो ये आपका ऑड है 15. अगर हमें मीडियन निकालना होता है और एन की वैल्यू हमारी इवन आती है तो फॉर्मूला डिफरेंट है, ऑड आती है तो फॉर्मूला डिफरेंट है. ठीक है, तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको ऑड बता रही हूँ, क्योंकि एन की वैल्यू ऑड है, 15 है. अगर आपका ऑड होगा तो आपका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का? एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन टू. पहले आप एन में प्लस वन करेंगे, टू से डिवाइड, क्योंकि आपको पता है 15 डायरेक्टली टू से डिवाइड नहीं हो सकता. अगर ये आपकी एक आप खाओ, आप कैसे रिमेंबर कर सकते हैं फॉर्मूला, आपको कन्फ्यूजन ना हो. एन जो आप 15 है, 15 टू की टेबल से डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 15 है, टू की टेबल 15 नहीं आता. तो आप पहले क्या करेंगे, अगर आप उसे प्लस वन करते हैं तो वो टू की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा. इट मीन आप पहले क्या करोगे, प्लस वन करोगे, यानी कि 15 प्लस वन 16, उसके बाद उसे 2 से डिवाइड करोगे. तो 15 प्लस 1 16 अपॉन 2, इट मीन्स जब आप 16 अपॉन 2 को कैंसिल करोगे तो 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी कि TH लगाया भी आएंगे, 8 आंसर नहीं आया है. तो TH यानी कि आपको 8 टर्म बताना है विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इन आफ्टर अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ आप देखिए आपका 8 टर्म कौन सा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे है आपका 20. इट मीन्स 20 इज द मीडियन. अब सपोज करिए, तो यहाँ एन की वैल्यू ऑड थी तो आ गया, ठीक है. अब मैं आपको ये बता रही हूँ, इसी क्वेश्चन में समझा रही हूँ, अगर यहाँ इवन पूछा जाता, अगर यह एन की वैल्यू इवन होती, सपोज करो एन की वैल्यू 16 होती या 25 है, एक और 25 होता या 28 होता, चलो एक नंबर इंक्रीज और हमने कर लिया, ठीक है. अब हम टोटल देखेंगे तो हमारे टर्म्स कितने हो गए 28 को मिला के 16 क्या है हमारा, 16 हमारा इवन नंबर है. तो इवन नंबर होता है तो मीडियन की वैल्यू निकालना डिफरेंट मैथड है. कैसे है देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल आप n अपॉन 2, क्योंकि 16 तो 2 से डिविजिबल हो गए, तो डायरेक्टली आपने डिविजिबल कर दिया तो ये क्या आ गया, 8, यानी कि आपका आ गया 8 टर्म, ठीक है. प्लस हमेशा याद रखना, जो भी 2 से डिविजिबल करने के बाद टर्म आया, यानी कि 8 है, उसका एक नेक्स्ट टर्म लेंगे, यानी कि 8 के बाद क्या आता, 9th टर्म, ठीक है. अब जो भी आंसर इनका टर्म आएगा उसे डिवाइड करेंगे 2 से. अंडरस्टूड. तो 8 टर्म क्या है आपका यहाँ पे, 8 टर्म देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे 20 है. 9th देखिए, 9 पे 20, यानी कि 20, इट मींस आपका ये हो जाएगा 20 प्लस 20 कितना होता है, 28 टर्म है, 9 टर्म पे 20 है, अपॉन 2, यानी कि 20 प्लस 20 40 अपॉन 2 विल बी 20, ठीक है, यानी कि अगेन आपका आंसर क्या है, 20. अंडरस्टूड. ओके, तो अगर एन की वैल्यू इवन है तो इवन के फॉर्मूले से करना है, एन की वैल्यू अगर ऑड है तो मीडियन ऑड वाले फॉर्मूले से करना है. ओके, सो ये मैथड सीनियर क्लासेस में यूज होता है ज़्यादा, ठीक है. यहाँ तो चलो आपका, चलो आपका यहाँ डायरेक्टली है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन यू शुड नो बाय डूइंग विद बोथ मैथड. आपको दोनों मैथड से ये क्वेश्चन आना चाहिए. तो आप दोनों मैथड प्रैक्टिस करेंगे कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सॉल्व बाय फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला से यूज़ करना है, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके ही सॉल्व करना है. सो नाउ वे कम नाउ, अब हम इस क्वेश्चन पे आ गए. उन्होंने बोला था मोड निकाला 20, मीडियन निकाली, मीडियन भी 20 आ गया. नाउ दे आर सेम, आर दे सेम, क्या ये सेम है वैल्यू? यस दे आर, द मोड वैल्यूज आर सेम. ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. इन क्वेश्चन नंबर 2 द रन स्कोर्ड इन द क्रिकेट मैच, जो रन आपके स्कोर्ड हुए हैं, स्कोर किए गए हैं 11 प्लेयर्स ने क्रिकेट मैच में, दे आर गिवन, वो उन्होंने गिवन है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज गिवन है, 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 and 15. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा. आपको इस डाटा का मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है,
आर दे सेम, क्या ये सेम है आपको बताना है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डाटा है उसे किस में चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा चेंज कर दिया, इस पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया, छोटे से बड़े में अरेंज करके रख दिया। अब हमें फाइंड करना है पहले मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। आपको ये फॉर्मूला लिखना है पहले, यहां मैंने शो नहीं किया लेकिन आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व करना, क्योंकि वी हैव मार्क्स ऑफ फॉर्मूले ऑल्सो। तो पहले आप मीन सम ऑफ ऑल इनके इन सारे नंबर्स को प्लस किए, प्लस करने के बाद आपको आपका प्लस जब आप करेंगे सारे नंबर्स को तो आपका आएगा 429। अब कितने टोटल प्लेयर्स थे, एन की वैल्यू कितने नंबर्स है टोटल 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे, कर दिया। आप इसे आप कैंसिल करिए, 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33, ठीक है। वॉट इज़ लेफ्ट, 42 माइनस 33 9, अभी 99, सो 11 नाइन ज़ा 99, तो आंसर इज 39। तो आपका क्या आया मीन, मीन आया आपका 39। आप बोल रहे हैं मोड निकालिए, तो मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आता है, दैट इज़ अ मोड। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 15, तो 15 इज़ द मोड। नाउ दे आर सेइंग फाइंड द मीडियन ऑल्सो। मीडियन क्या होती है आपकी वैल्यू, मीडियन मैंने आपको बोला था मिडिल वैल्यू होती है। तो टोटल आपका क्या है, 11 प्लेयर्स है, तो 5 आप लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट कर दीजिए, 5 राइट हैंड साइड में लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। और कौन से डाटा में लेफ्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, जिसे आपने अरेंज कर दिया उस डाटा को, ये नहीं हो जो क्वेश्चन में गिवन है उस वाले को नहीं करना है, ठीक है। जो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद, अब आप असेंडिंग ऑर्डर में हमने चेंजेस दे किया है जिससे वो हमारा इजी हो जाए और सिस्टमेटिक वे में लग जाए और हम इजीली फाइंड आउट कर लें करेक्टली। तो आपका 11 था, 5 हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट किए, 5 राइट हैंड साइड में, तो मिडिल वैल्यू क्यों आई, 15। ओके, सो 15 इज द मीडियन। ओके, और मैंने मीडियन आपको फॉर्मूले से भी निकालना सिखाया था। तो वैल्यू आप यहाँ देखिए, एन की वैल्यू क्या है आपकी, 11 11 है, तो ये 11 क्या ऑड, ऑड है, तो ऑड का फॉर्मूला क्या था निकालने का, पहले ये आपको 2 से डिविजिबल नहीं होना, तो पहले आप प्लस 1 करेंगे, 11 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 12 अपॉन 2 6 आ गया, यानी कि 6 टर्म आया है यहाँ पर टी एच, तो 6 टर्म आप देख लीजिए, 6 टर्म कौन सा है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा हुआ डाटा में से चेक करिए, 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 15, इट मीन्स 15 इज द आंसर। ओके, सो यू कैन डू विथ एनी मैथड, बट यू शुड नो विद बाय फॉर्मूला ऑल्सो, कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप फॉर्मूले से कर सकें। आर दे थ्री सेम, क्या इनकी वैल्यू सेम है, तो आप देखिए वैल्यू देखिए, मीन की वैल्यू 39 आई है, मोड की 15 आई है और मीडियन 15 आई है, तो मोड और मीडियन की तो सेम है लेकिन मीन की सेम नहीं है। और ये पूछें कि तीनों की सेम है, तो आंसर इज नो, दे आर नॉट सेम, क्योंकि अगर मीडियन की भी मीन की भी 15 हो जाती है तो ये तीनों की वैल्यू सेम होती। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।